हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के जियोमेट्रिक्स। हम ठीक है, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन पार्ट की। पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ लिया सिलेंडर, पार्ट टू में कोन, अब पार्ट थ्री में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब उसमें स्फीयर और कोन और हेमिस्फीयर का तीनों का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ये पार्ट अगर समझ में आ गया तो बाकी क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, तो हम काले भी थ्योरी लेके चलना है, मतलब फार्मूला, और फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे फार्मूला खत्म होता है उसके बाद हम तुरंत न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल जो कि मतलब ICSE CBSE NCERT सबके लिए सेम ही है, जानते हैं आप लोग, बोर्ड होगा 8th का इस बार। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन पार्ट थ्री में सबसे पहले आप जान लीजिए स्फीयर होता क्या है। स्फीयर देखिए सिंपल वर्ड में कहते हैं, ठीक है, जब कोई सर्कल, ठीक है, का सेंटर हो है अपने डायमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है, जैसे मैं कहूँ कुछ ऐसा डायमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व करता है उसका रेडियस। ठीक है, तो उस जो रिवॉल्व किया है उसी को कहते हैं हम लोग स्फीयर। और हमारे सिलेबस में है क्या, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड क्या होता है, देखिए जब किसी सर्कुलर लैमिना, लैमिना जानते हो आप जो टेंट हाउस वगैरह में सब यूज होता है, सब लैमिना क्लॉथ, ठीक है, उसको अगर डायमीटर के अलॉन्ग रिवॉल्व कर दें तो जो हिस्सा निकलता है उसे कहते हैं स्फीयर। दिमाग में नोट कर लो, ठीक है, और ये मान लो स्फीयर है। ठीक है, और स्फीयर को सर्कल से कैसे कंपेयर करोगे, मान लो वुडन स्फीयर, क्या है वुडन स्फीयर, वुडन तो क्लोज्ड है क्योंकि स्फीयर क्या है हमारा 3D थ्री डायमेंशनल XYZ एक्सिस, ठीक है, और क्लोज सर्कल है। ठीक है, जैसे आपका वॉलीबॉल है, ठीक है, वॉलीबॉल क्या है क्लोज्ड है अंदर से पूरा, ठीक है, वो सर्किल नहीं है एक्चुअली, ठीक है, वो दैट इज स्फीयर। ठीक है, देखिए वुडन स्फीयर है, ठीक है, अब इसको सर्कल से कैसे कंपेयर करेंगे, ये वुडन स्फीयर को हम लोग चार सर्कल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये चारों का रेडियस मिला के, ठीक है, इसका रेडियस होगा, दिमाग में नोट कर लो, ठीक है, दैट रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4 times द स्फीयर दैट सर्कल, ठीक है, रेडियस। ठीक है, तो अब मैं, ये तो स्फीयर है मेरा, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसमें खाली दो ही चीज पढ़ना है स्फीयर में, इस हिस्से में, ठीक है, स्फीयर में क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड इज वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो कहता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 into, ठीक है, 4 into कहते हैं एरिया ऑफ सर्किल। देखो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया मीन्स A1, A2, A3, A4 ये चारों मिला के इसका क्या होगा सरफेस एरिया, मीन्स 4 into एरिया ऑफ सर्किल। मैं पहले कहा हूँ कि इसका रेडियस चार गुना होगा, ठीक, मतलब इसका सम होगा। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं 4πr² सरफेस एरिया, ज्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जा रहा मतलब। ठीक है, दूसरा है आपका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम के लिए क्या है, कहता है यहाँ 4 का मल्टीप्लाई है into, सीधे लिख दो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में क्या पड़े 1/3πr², ठीक है, तो कहते हैं 4 into 1/3πr², तो कहते हैं 4/3, ठीक है, ओ सॉरी 4/3, ठीक है, into वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r, मतलब ये कोन है आपका, ठीक है, इस कोन का रेडियस r है और इसका हाइट h है। ठीक है, तो कहते क्या है इसको πr² into दैट रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको यहाँ हाइट नहीं लिए है, क्यों नहीं लिए है, क्योंकि दैट इज बेस्ड अपॉन दैट वॉल्यूम, जो उस हिस्से का जो सर्कुलर लैमिना का लिया गया है उसका फॉर्मूला कंपेरेबल है। ठीक है, यहाँ कहते हैं 4/3πr³, आपको डिटेल में नहीं, सब फिजिक्स है इसके पीछे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³ इसका स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर हो गया, इसका क्या क्या निकला,
सरफेस एरिया, देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया कट सरफेस एरिया नहीं आता है क्योंकि ये पूरा एकदम क्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं 4πr² और इसको कहते हैं वॉल्यूम इक्वल टू 4/3πr³, ठीक है, इंटू रेडियस ऑफ इसका, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब स्पीयर की बात हो गई, ये नोट कीजिए, यहाँ तक स्पीयर था, ठीक है। हमने क्या कहा, स्पीयर क्या होता है कि अगर कोई सर्कल डायमीटर के अलावा रिवॉल्व कर जाए इससे निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्पीयर। और स्पीयर को सर्कल से कैसे कंपेयर करते हैं, स्पीयर का सरफेस एरिया मिला के चार सर्कल का एरिया सम π² + π² + π² + π² तो हो गया 4π², और वॉल्यूम के लिए 4 × दैट वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट r, ठीक है। ये देखो यहाँ r क्यों लिए हैं, h क्यों नहीं लिए, बिकॉज h इज इक्वल टू r, नोट करने वाली बात है। हम लोग वहां लिखते थे 1/3πr²h, याद हो आपको, इसका वॉल्यूम कोण था 1/3πr²h, यहाँ पे h, h की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, r। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज दैट ये जो h होगा ना वो रेडियस के बराबर होगा स्फीयर के केस में, ठीक है। यहाँ कहते हैं 1/3πr³, यहाँ नोट करने वाली बात है r इज इक्वल टू h, तो ये h का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब आते हैं हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर आपका कटोरा है, करवा लो, ठीक है। हेमिस्फीयर इसका आधा हो जाएगा हेमिस्फीयर और क्या, ठीक है। देखो ये है कटोरा, ठीक है, इसका मान लो कटोरे का भी रेडियस होता है, कटोरा जब आप लेते हैं उसका रेडियस भी होता है, सेंटर से जब मिलाएंगे यहाँ बोलते हैं आर, ठीक है, ओके। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम कहेंगे कि, ठीक है, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हाफ क्यों लेंगे, कटोरे को आगे पास काट दें तो उसका हाफ नहीं होगा भाई, यह ऐसी बात है, तो बोलेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 × 4/3πr³, तो हो गया, बोलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3πr³, किसका वॉल्यूम ऑफ कटोरा मीन स्फीयर, ठीक। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एक, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या कि पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कार्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं कार्ड सरफेस एरिया, यहाँ कहते हैं हाफ ऑफ, ठीक है, ये एरिया ऑफ, हाफ ऑफ सरफेस एरिया, कार्ड सरफेस एरिया का हाफ ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस मतलब ये बाहर का जो एरिया था सरफेस जानते हो ना, ठीक है, उसका हाफ, तो कहेंगे 1/2 × 4πr², तो हो गया, बोलिए 2πr², इसको याद करने की टेक्निक बताऊं, इसका हाफ, इसका हाफ। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, TSE, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं 2πr² मीन्स हम लोग डायरेक्ट वर्ड में लिखे, तो कैसे लिखोगे, बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्किल। ऐसा क्यों, देखो ये था आपका कर्व सरफेस एरिया समझो, और ये है आपका एरिया ऑफ सर्किल, इसको मिला के क्या निकालोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया टी, इसका कर्व सरफेस एरिया था, जो कर्व मीन क्या होता है वक्र, वक्र मीन ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, उसका एरिया क्या निकला 2π² और प्लस एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ देखो सर्किल के रूप में नहीं है, जब कटोरा ऊपर से देखेंगे तो सर्किल के फॉर्म में रहता है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2πr² + πr² = 3πr², तो इसमें क्या क्या मिला आपको, इसका तीनों चीज नोट कर लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू बोलिए 2/3πr³, ठीक है, दूसरा चीज कवर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr², टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3πr², नोट करने वाली बात है, ठीक है। और सरफेस एरिया किसमें रहता है, cm² या m², और वॉल्यूम बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वॉल्यूम m³ या cm³ में रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर में एक वर्ड आ जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से,
उसका क्या क्या मिला, वॉल्यूम सरफेस एरिया, इसका तो मैं बता देता हूँ सारा डेरिवेशन ही जो पर आपको खाली फॉर्मूला रटना है बस, ठीक है। फॉर्मूला जैसे आपका खत्म होता है उसके बाद आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे क्या करोगे, ठीक है, ये हो गया नोट। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, मैं जो इसमें बहुत आराम से नंबर उठता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है इस चैप्टर में, खाली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब उसमें सिलेंडर, कोन और कटोरा तीनों दिया रहेगा ऐसे फिगर, कुछ फिगर रहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, मत रहते इजी, ठीक है, थोड़ा रफ कर लें इसको टाइम लें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज हेमी स्फेरिकल सेल। देखो हेमी स्फेरिकल सेल मतलब स्फेरिकल है या सेल से, कटोरे के ऊपर कटोरा, ठीक है, नारियल बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने, ये है आपका पहला कटोरा, ठीक है। आप इसका मान लो बड़ा वाला रेडियस है, इसका मान लो कैपिटल आर है रेडियस, ठीक है। अब इसी के अंतर इसी के अंदर, ठीक है, एक और कटोरा रखती है हमने कुछ ऐसा, ठीक है, उसका रेडियस है स्मॉल, रेड पेन से लिखते हैं इसको स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या कहें मतलब कटोरे पे कटोरा, ठीक है, डिनोमिनेट कर ले, इसका मतलब होता है कटोरे पे कटोरा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ वर्ड निकलते हैं, पहला आता क्योंकि सेल है, देखो सेल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बोलिए, ये तो पूरा आर है, छोटा आर है तो हो गया आर माइनस आर, तो कहेंगे पहला है थिकनेस ऑफ सेल इज इक्वल टू आर माइनस आर, बात सही है। दूसरा आपका एरिया, एरिया में बोलो आप ब्लैक कर लेते हैं एरिया, ठीक है, बोलेंगे पाई, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर, आर के जगह क्या लोगे आप आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, क्योंकि ये आपको ये जो आर, देखो एरिया क्या होता है, एरिया सर्किल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, बट यहाँ पे जो कहोगे एरिया ऑफ बेस, बेस बेस का एरिया, ठीक है, इसका एरिया कहोगे पाई, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई स्क्वायर होता है, ये आर स्क्वायर की जगह, ठीक है, ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट रेडियस चाहिए इसके लिए एरिया बेस। तीसरा है आपका एक्सटर्नल, क्योंकि ये देखो ये एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बताया है, क्या बताया है, टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, याद होगा आपको, तो कर्व सरफेस टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, तो बोलेंगे अंदर का, देखो ये तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया था, इंटरनल यानी इतना, इसके लिए बोलेंगे सर बोलेंगे टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पांचवा है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आपका बोले बोलेंगे टू बाई थ्री पाई इन ब्रैकेट आर क्यूब माइनस आर क्यूब, क्योंकि आपने पढ़ा है वॉल्यूम है इसके इक्वल टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, आर क्यूब के जगह क्या है एफ आर क्यूब का आप एग्जैक्ट रेडियस चाहिए, तो कैपिटल मतलब बड़े में से छोटे मियां को बैठा दो, ठीक है। छठवां है आपका टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ बोले टोटल सरफेस एरिया पढ़े आप लोग, देखो टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या है एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस
एरिया भी, इसलिए मैंने तीनों, ये तीनों को ऐड कर लो तो क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो इसको वैल्यू कहेंगे आएगा जब टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं पाई 3 पाई r² + r² तो ये था आपका थिकनेस। तो कुल कितने फॉर्मूले हुए, 6 इधर, ठीक है। उसके पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, ये तो इसका था, इसमें क्या अपन पहला कटोरे में, कटोरे में आपने पढ़ा कि वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 πr³ की मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कट सकते एरिया बोलिए 2πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 3πr², ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, बचा क्या स्फीयर बाबा, स्फीयर बाबा बचते हैं, यहाँ बीच में नोट कर देते हैं स्फीयर, स्फीयर को ऐसे आर, ठीक है, ये पूरा क्लोज है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ बोलेंगे वॉल्यूम 4π r³ सरफेस एरिया, यहाँ टोटल सरफेस एरिया वगैरह नहीं होते, दिखा दे क्लोज पूरा सरफेस एरिया होता है इसका, यहाँ बोलेंगे 4πr² बस। तो कितने फॉर्मूले हुए, कुछ 7, 8, 9, 10, 11 तो 11 इधर अच्छा है, 7 उधर, ठीक है। कुल 20 फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन में, यही फॉर्मूला जड़ है इसका, जड़ पकड़ लोगे तो अपने आप चढ़ जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कैसे होगा। जैसे मैंने कहा एक खिलौना है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो देखो यहाँ एक कोन हो गया, ठीक है, ये कटोरा हो गया, तो यहाँ बोलेंगे ये कोन है, ये सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पूछेगा, इस खिलौने का वॉल्यूम पूछ सकता है। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, ये इसका वॉल्यूम v1 + v2 + v3 जोड़ दो, ये है आपका टॉपिक, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म, ओके बाय, थैंक यू वॉनी जी, बने रहिए हमारे साथ।